हर साल की तरह साल भी राजधानी भोपाल में 5 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल 14 जून से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल में आम की हर तरह की वैरायटी मिलेगी। भोपाल में शुरू हुए इस मैंगो फेस्टिवल में आने वाले आम पूरी तरह से केमिकल फ्री होंगे। ये नेचुरल तरीके से पकाए गए होंगे। नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि हम हर साल आम की पैदावार करने वाले किसानों को यहां आकर अपने आम को बेचने का मौका देते हैं। आज इस आयोजन में 11 जिलों से किसान आए हैं। नाबार्ड किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय इस मैंगो फेस्टिवल में लोग 18 जून तक आम की 15 से 20 वैरायटियों का स्वाद ले सकेंगे। 2018 से हम लोग इस आम महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं और ये 7वां संस्करण आज आपके सामने प्रस्तुत है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी वाड़ी परियोजना है, जिसको वाड़ी एक गुजराती भाषा का शब्द है, उसमें वाड़ी का मतलब है उद्यान, छोटा सा ऑर्चर्ड, और जो आदिवासी किसान हैं उनका ये ऑर्चर्ड है, ये वाड़ी है, और वो किसान अपने खेत के अंदर मैंगो का जो आम है उसकी खेती करते हैं और उनकी पैदावार को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए उनको बाजार उपलब्ध करवाते हैं, जो कि भोपाल है और भी 6 जिलों के अंदर हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो पैदावार आई है मध्य प्रदेश के 11 जिलों से हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।